अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स हंबल अहमद हियर अगेन। वेल गाइस, ये हमने सिस्टम इंस्टॉल किया था कुछ दिन पहले, 5 किलोवाट नेटवर्क्स, जिसमें हमने सोलर पैनल्स यूज़ किए हैं, 435 वाट्स लॉन्जी के मोनोपार्क। अच्छा, ये सिस्टम ने इंस्टॉल किया है जस्ट कराची बीटीके बहरिया टाउन कराची के बिल्कुल अपोजिट, और इसमें आपको सिस्टम नीचे से भी दिखा देते हैं हमने किस तरह से कनेक्शन किए हैं। इसमें हमने 8-8 पैनल की 2 स्ट्रिंग्स बनाई हैं। और इसमें हम पाइपिंग यूज़ की है जिसमें से हम लेकर आए हैं अपने नेगेटिव पॉजिटिव केबल्स को, और इसकी ड्रेसिंग हुई भी है। इसमें आयरन स्ट्रक्चर जो हमने लगाया है वो लगाया है हमने 16 गेज के पाइप यूज़ किए हैं, 3 इंची गोल नीचे, और ऊपर हमने चौरस पाइप यूज़ किए हैं 1.25 बाय 1.25। अच्छा, हम जो पैनल्स बनाते हैं उसमें हमारे स्ट्रक्चर के अंदर सोलर पैनल्स होते हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं होते। इसमें थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लगता है, हमारे फैब्रिकेटर को बनाने में थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा लगती है उसकी, लेकिन ये खूबसूरत थोड़ा सा बन जाता है और मज़बूत भी होता है। इस पर हमने इंस्टॉल किया है नेटवर्क्स 5 किलोवाट SP5G का मॉडल है ये। आज हमने इसको प्रॉपर ऑन किया है, 5 किलोवाट SP5G हाइब्रिड इन्वर्टर है ये सब चल रहा है। अच्छा, आज की जनरेशन ये बता रहा है इस वक्त 8.9 किलोवाट आर ये जनरेट कर चुका है। दो स्ट्रिंग्स कनेक्टेड हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग से जो वोल्टेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं वहाँ पर 287 वोल्ट्स आ रहे हैं, सेकंड से 292 वोल्ट्स आ रहे हैं। 0.4 एम्पीयर फर्स्ट पीवी से ले रहा है, 0.2 एम्पीयर दूसरी पीवी से ले रहा है, 62 और 134 वोल्ट्स की जनरेट कर रहा है इस वक्त। टाइम जो हो रहा है तकरीबन हो रहा है 6:30 हो रहा है। अच्छा, इसकी सेटिंग्स हमने लॉक नहीं की थी, इसकी सेटिंग हमें लॉक करनी है ताकि बाद में कोई सेटिंग चेंज ना कर सके। अच्छा, इसकी सेटिंग हमने करने के बाद जो है लॉक कर दी है। इसमें सेटिंग हमने ये रखी है, बैटरी की सेटिंग हमने रखी है, ये परसेंटेज में हमें बताएगा, 80 एम्पीयर मैक्सिमम चार्जिंग हमने रखी है, और मैक्सिमम डिस्चार्ज हमने इस पर रखा है वो रखा है 50 एम्पीयर्स डिस्चार्ज रेट रखा है, 220 एम्पीयर आर की हमने बैटरी बैंक यूज़ किया है इसके ऊपर, बैटरी बैंक हमने यूज़ किया है इसके ऊपर होंडा का होंडा टॉल ट्यूबल बैटरी यूज़ की है, करंट टेक्नोलॉजी है। मॉडल है इसका, 220 एम्पीयर आर की बैटरी है ये, 12 वोल्ट की। अच्छा, ये कैटेगरी C2 टाइप है। अच्छा, ये बैटरी बैंक की DB है, इसमें मिट्सुबिशी का हमने ब्रेकर लगाया 80 एम्पीयर का, और केबल इसमें यूज़ की है 25 mm सिंगल कोर नेगेटिव पे और पॉजिटिव पे, ये इसके कनेक्शन है नीचे। अच्छा, ये इसमें लगा हुआ है वाईफाई डिवाइस लगी हुई है इसके पीछे, ये इसका जेनसेट का है, लोड है ग्रिड है। अच्छा, इसका जेनसेट जो है वो स्मार्ट लोड पे यूज़ आउटपुट पे कब कर सकते हैं, अगर आपने फोर्सली स्मार्ट लोड एक्टिवेट किया हुआ है तो। हम यहाँ पे स्मार्ट लोड 1000 वाट्स यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद इसमें ये नीचे पीवी कनेक्शन है, ये बैटरी टर्मिनल्स के कनेक्शन है, ये पीवी ऑन स्विच है, ऑन है इस वक्त, ये ऑन स्विच है, ये भी ऑन है। अच्छा, ये इसकी डिटेल शीट है, मैक्सिमम VOC 500 है इसके, मैक्सिमम PV इनपुट 5500 वाट्स है, शोर हमने सोलर पैनल्स पे ज़्यादा लगाए हैं, 6500 प्लस लगाए हमने ताकि हमें जनरेशन ऑफ पीक आवर में भी अच्छी मिल सके। अच्छा, इसकी सेटिंग्स हमने कर दी हैं, इस वक्त ये फुली ऑपरेशन मोड में, बैटरी मोड पे चल रहा है, डिस्चार्ज रेट इसमें चल रहा है 0.64 एम्पीयर डिस्चार्ज हो रहे हैं इसे, 34 वाट्स
99% हमारी बैटरी बैंक चार्ज है इस वक्त, लोड चल रहा है 257 वॉट्स जो ओवरऑल लोड चला है अभी तक आज की तारीख में, वो 7.7 किलो वाट का लोड चला है। अच्छा, ग्रिड जो है हमने इसकी ग्रिड का ब्रेकर ही गिरा दिया है, जो ग्रिड हमने बीच में यूज़ किए थोड़ी देर वो चली है, इसमें 0.1 किलो वाट आर हमने इस्तेमाल किए इसके ऊपर। अच्छा, ये आप प्रेस करके रखेंगे तो आप फोर्सली जनरेशन के जनरेटर की आउटपुट को आप एज जनरेटर की इनपुट को आप एज ए आउटपुट यूज़ कर सकेंगे। आप ये जो नीचे जनरेटर की इनपुट है इसको एज ए स्मार्ट आउटपुट आप यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया है इसके ऊपर, अच्छा ये सोलर और वापडा, सोलर के वोल्टेज जो हमारे पास आ रहे हैं वो 214 आ रहे हैं और ग्रिड के जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 257 वोल्टेज आ रहे हैं। अच्छा, इस पे पीवी पे जो हमने ब्रेकर यूज़ किए हैं, डीसी ब्रेकर यूज़ किए हैं, श्नाइडर के आईसीएन C63A 1000 वोल्ट डीसी 63 एम्पियर्स, उसके साथ हमने वापडा इनपुट पर यूज़ किया हैगर का 63 एम्पियर डीसी, और इसमें हमने आउटपुट पे जो स्मार्ट आउटपुट और इन्वर्टर के आउटपुट पे हमने 20-20 एम्पियर के यूज़ किए ब्रेकर्स। अच्छा, ये ब्रेकर्स जो है ELCB हैं, 8 लीकेज सर्किट ब्रेकर्स हैं और माइनर से फॉल्ट पे ये ट्रिप हो जाते हैं फॉर्म, ठीक है। अच्छा, ये सीटी हमने वाटर लोड पे लगाई है, ये इन्वर्टर की सीटी है। अच्छा, कोई भी कनेक्शन जो हमने इसमें किए हैं वो विदाउट लग्स नहीं किए, जितने भी कनेक्शन आप देख रहे होंगे इस पर लग्स और स्लीव्स लगी हुई है। ये सिस्टम का हमारा फर्स्ट डे था और इंशाल्लाह हमारी हमारा टारगेट है 20 किलोवाट एटलीस्ट हम इससे जनरेशन ले सकें पर डे में। टीम हमारी आराम कर रही है, अभी जाने की तैयारी है हमारी, हम यहाँ से अब हमारा काम कंप्लीट हो गया, अब दूसरी साइड पे जाएंगे। एक साइड है हमारी टंडोली आर की, अभी इंशाल्लाह हम शायद आज रात को वहाँ पे काम स्टार्ट कर देंगे, और अभी तो हम भैंस का एक और साइड है हमारी लांडी में कराची की, वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे हमें लाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। ये हमारे सीनियर टेक्नीशियन अब्दुल्ला साहब, ये हमारे इंजीनियर मुनव्वर साहब, हम पठान, अबे पठान छुरी कांटे लेके बैठे हुए क्या कर रहे हैं अपन, अरे वाह यार केक, क्या बात है, अबे अबे पठान, अबे पीस से तो अपने गुजारा होता नहीं है, अबे ये तो सारी केक तो चाय पी जाएंगे, एक एक डब्बे, ये तो ये केक के लिए आई है, हमारे लिए लेने जाओ, हमारे लिए फिर सही है। उसको बता है 3 कप चाय। अच्छा, ये हम काम कर रहे हैं बहरिया टाउन के बिल्कुल अपोजिट में, वेल गाइस, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें अगर अच्छी लगती हैं तो, और डिसलाइक करें अगर बुरी लगती हैं तो, और आपके अगर सजेशन है हमारे लिए तो प्लीज़ हमें बताइए ताकि हम अपने काम में मज़ीद बेहतरी ला सकें, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पर, और नोटिफिकेशन बार पर लाजमी क्लिक करें, बेल पर, बेल आइकन पर, ताकि हमारी न्यू आने वाली अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशन बार में उनको नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये गाड़ी है इसके बाद।